कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। लेकिन ऐसे खुले में आकर एक आरोप लगा देना बेबुनियाद बिना किसी आधार के, ये बहुत गलत है। मैं किसी भी आखिरी कार्यकर्ता को इस बात की अनुमति देता हूँ, निजी रूप से कार्यकर्ता होने के नाते आरोप मुझ पर हो, आरोप अरविंद पर हो, आप साक्ष्य लेकर अंदर आइए, अंदर बैठिए, साक्ष्य सबके सामने रखिए। तो ऐसा तो अरविंद की ओर से भी कहा गया है कि अगर वो गलत हो तो उन्हें निकाल दिया जाए, मैं गलत हो तो मुझे निकाल दिया जाए। लेकिन एक बाहर ये सनसनी जो पैदा की गई है, इससे आम कार्यकर्ता भी दुखी है, मैं निजी रूप से बहुत आहत हूँ। केजरीवाल जी को पैसे दिए हैं, ये मानने वाली बात ही नहीं है। केजरीवाल जी ने पैसे लेने होते ना, वो जब इनकम टैक्स के कमीशन से तो बहुत ले सकते थे। मनीष सिसोदिया शुड रिएक्ट टू द ईडी नोटिसेस इशूड टू सत्येंद्र जैन, ही शुड ऑल्सो रिएक्ट टू द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम बाय हिज अर्स्टवाइल कलीग्स लाइक योगिंदर यादव, प्रशांत भूषण एंड नाउ कपिल मिश्रा एंड अदर्स। सो करप्शन चार्जेस आर बीइंग लेवल्ड नॉट बाय ऑपोजिशन बट बाय देयर ओन अर्स्टवाइल कलीग्स। अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूँ, अब आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने का न तो मोरल अधिकार रह गया और न तो लीगल अधिकार रह गया है। आपको तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। इससे गिरा हुआ कुकर्म एक मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकता है कि वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर से रिश्वत ले और दुस्साहस इतना कि एक और मंत्री बैठा हुआ उसके बीच ले। तो मैं समझता हूँ इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार ये है जो कि सबसे ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझती थी और दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी।